हो गए सरकार का कारण हमने यो कदम उठाना पड़ रहा है, ना कि अपनी फसल न भागी कोई राजी नहीं। कितने ऐसा की सब न दिक्कत है, हम अपनी नेता राकेश टिकैत के कहने पर फसल पर उन्होंने कही थी आग लगाई जाए, आग हम नहीं लगाना चाहते कि वातावरण प्रदूषण हो, हम इससे अच्छा तो अपनी फसल न बाकी खाद बना लेंगे और अपना हरा चारा लगावांगे दोबारा, और हम फसल गेहूँ तो मंडी में बेचा ही नहीं गए, हम अपने अभी 3.5 एकड़ किले मैंने बा दिए हैं और अभी मेरे 22 किले और हैं, उनमें से 2 किले सिर्फ घर खान खान के राख कर बाकी सारे किले बाऊंगा। चालू कौन करे? हाँ जी, नाम बताओ। हाँ, श्री ओम बडाली, मैं मलका। यहाँ जो है किसानों का जो है गेहूँ बाने का कार्यक्रम चला हुआ है, क्योंकि सरकार से इतने तकलीफ हो लिए, इन्होंने काल पा लिए हैं, क्योंकि हम पशुओं का चारा बो देंगे लेकिन गेहूँ बेचाएंगे नहीं, इसलिए अपनी जो आगे की तैयारी करें हैं, मक्का या ज्वार बोएंगे पशुओं के लिए आहार करेंगे। तो जो किसान हैं उन्होंने ये जी सरकार जो तीनों काले कानून है उन्होंने वापिस नहीं ले रही, इसलिए तंग आके न ले रहे हैं। ये निर्णय जो इतनी बड़ी फसल है इसको खराब होने पर बहुत दुख आ रहा है, माँ बाप रो रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन युवा बच्चे हैं किसी को मान नहीं रहे, इनको सरकार के विरोध में हम किसान कणक बेचेंगे नहीं, कुछ भी करना पड़े हमें। इनका दूसरा किला देखा जाए। हाँ, और कोसेगा Mm-hmm.